वेलकम वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो। एंड आज अपन भाई दोबारा से प्ले कर रहे हैं ओशियन इज होम 2। तो पिछली वाली वीडियो में तो लोग याद होगा यार, अपन ने जो एक लग्जरी मैंशन बोल सकते हो तो लोग हाउस कह लो अपन ने बनाना स्टार्ट किया था। तो फाइनली भाई वो वाला हाउस जो बिल्कुल बन के रेडी हो गया, कलर वलर अपन ने कर दिया, अभी पूरा रेडी नहीं हुआ है। बट आज की इस वाली वीडियो में अपन जो भाई उसके अंदर खिड़की दरवाजे अपन फिट करने वाले हैं। सो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है यार आज की इस वाली वीडियो में। लेकिन इससे पहले यार तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है अपन काफ़ी ज़्यादा करीब जा चुके हैं 1000 सब्सक्राइबर के। सो प्लीज़ यार, मतलब अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो ना तो सब्सक्राइब ठोक दो। एंड काफ़ी ज़्यादा साल हो गए अपन को मेहनत करते करते, ज़्यादा नहीं हुए 2 साल हो गए, बट अपन को भाई वीडियो बनाते बनाते एंड अभी तक अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अपन करीब जा चुके हैं। सो प्लीज़ अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लो। एंड फिलहाल सामने की तरफ तुम लोग देख पा रहे हो भाई अपना ये वाला तगड़ा वाला हाउस जो अपन ने बिल्कुल कलर वलर करके बिल्कुल रेडी है अभी भाई। ये बिल्कुल रेडी नहीं हुआ, बाकी तुम लोग कमेंट बॉक्स से जरूर बताना कि अभी तक भाई जो है ये वाला हाउस अपना जो है तुम लोग जो है कैसा लगा। बाकी भाई यहाँ पे देखो काफ़ी सारे काम जो अभी बाकी है, बाकी ये वाली चीज़ भाई काफ़ी मुश्किल से मैं लाया हूँ अपने जो है सर्वाइवल वाले आइस लैंड से, इसको जो है तोड़ के फोड़ के मार के तुम लोग बोल सकते हो। एंड इसका दूसरा भाई देखो भाई ये पड़ा यहाँ पे, अब फिलहाल इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं इसे जो है कहाँ रखूँ। फिलहाल उस वाले छोटे वाले भाई को अपन ने जो है वहाँ पर रख दिया है। बट सबसे पहले भाई अपन जो है यहाँ पे फटाफट से अपना जो है काम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो बट उससे पहले जो मैं एक बार तुम लोग जो हाउस का रिव्यू यहाँ पे दिखा देता हूँ ओवरव्यू। तो साइड से जो अपना हाउस फिलहाल कुछ इस तरीके का दिखता है। एंड पीछे की तरफ जो भाई अपन ने पूरा ब्रिक वाला डिज़ाइन यहाँ पे दिया है ताकि अपना हाउस जो है थोड़ा सा अलग लगे। एंड पीछे की तरफ का डिज़ाइन जो है तुम लोग देख पा रहे हो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे लग रहा है। एंड कमेंट बॉक्स में यार जरूर से बताना कि तुम लोग जो है ये वाला हाउस जो है कैसा लगा। बाकी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी यार इस वाले हाउस को बनाने में, तो यार एक सब्सक्राइब तो बनता है अपन को जो है। इस पूरे साल का जो 2023 का टारगेट है भाई वो है 1000 सब्सक्राइबर का। सो साल भी एंड होने वाला है एंड अपना टारगेट भी भाई तुम लोग फटाफट से मुझे पता है कि कंप्लीट करवा दोगे। तो फटाफट से जो अपन जो अपना काम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ भाई अपने गैरेज डोर, क्योंकि ये जो नीचे की तरफ ग्राउंड फ्लोर पे भाई ये अपना गैरेज ये पूरा बड़ा वाला जिसके अंदर अपनी सभी कार आ जाएंगी। एंड इस तरफ मैं लगाता हूँ भाई एक और गैरेज डोर कुछ इस तरीके से। एंड फिलहाल गैरेज डोर लगाने के बाद जो भाई अपना ये वाला हाउस जो है तुम लोग देखो भाई कुछ इस तरीके का यहाँ पे लग रहा है। एंड अब जो फटाफट से ऊपर चलते हैं, सबसे पहले भाई इस वाले गैरेज डोर को ओपन करते हैं। एंड पिछली वाली वीडियो में तो लोगों ने देखा होगा अपन ने जो इस हाउस में जो अपनी लिफ्ट भी इंस्टॉल कर ली थी ताकि भाई अपन को जो ऊपर नीचे आने जाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। एंड फिलहाल ये भाई अपने गैरेज का अंदर का व्यू। एंड यहाँ पर लिफ्ट भाई ऊपर गई हुई है, तो सबसे पहले ये देखो भाई यहाँ पे ऊपर गई हुई है। तो सबसे पहले भाई बटन दबा के इस लिफ्ट को अपन जो भाई नीचे लाते हैं एंड फिर फटाफट से चलेंगे ऊपर। एंड ऊपर भाई खिड़की दरवाजे अपन फिट करने वाले, बाकी भाई काफ़ी सारे खिड़की दरवाजे अपने बाय किए हुए हैं। ये अपना जो हाउस का ओवरव्यू है कुछ इस तरीके से अपना गैरेज का। एंड फटाफट से चलते भाई अपने लिफ्ट के अंदर एंड ऊपर चलते हैं भाई अपने जो है फर्स्ट फ्लोर पर तुम लोग बोल सकते हो। एंड लिफ्ट भाई फाइनली अपन को लेके आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे। एंड यहाँ पे भी अपन को काफ़ी सारे खिड़की और दरवाजे फिट करने। सबसे पहले भाई अपने बालकनी में चलते हैं, यहाँ से जो तुम देख सकते हो काफ़ी तगड़ा व्यू अपन को देखने को मिलता है। फिलहाल कुछ इस तरीके का दिखता है यहाँ से व्यू। एंड सामने इधर भाई काफ़ी तगड़ा रोड वोड दिख रहा है, साइड से भी अपन ने विंडो लगाई हुई है जहाँ से दिखता है अपन को काफ़ी अच्छा व्यू। तो सबसे पहले भाई यहाँ पे एक विंडो अपन फिट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। एंड देन फिर भाई इस तरफ अपन को दरवाज़ा फिट करना है एक सिंगल वाला डोर, जो कि कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे सेट करने वाला हूँ तुम लोग देख पा रहे हो। एंड अब भाई फटाफट से अंदर चलते हैं। एंड ये सेम डिज़ाइन दूसरी तरफ भी अपन ने दिया था पिछली वाली वीडियो में, तो दूसरी तरफ भी जो अपन सेम चीज़ यहाँ पे लगाने वाले हैं। फटाफट से इस तरफ से कुछ इस तरीके का व्यू आ रहा है तुम लोग देख पा रहे हो। एंड फटाफट से यहाँ पे जो है एक विंडो इस तरीके से अपन सेट करेंगे। देन फिर भाई इस तरफ अपन को अगेन एक डोर लगाना है। एंड ये सारी चीज़ें लगने के बाद देखेंगे भाई आखिरकार अपना जो हाउस जो है किस तरीके का यहाँ पे लग रहा है। सो फटाफट से अपन जो है इस डोर को भी जो कुछ इस तरीके से सेट यहाँ पे कर देते हैं। एंड आगे चलते हैं भाई, अब जो इसके ऊपर एक और फ्लोर अपन ने बनाया हुआ फाइनल वाला फ्लोर, उस पर भी खिड़की दरवाजे लगाएंगे। लेकिन यार इससे पहले जो इसके पीछे का डिज़ाइन तो लोग पता होगा, वहाँ पे भी अपन को जो काफ़ी सारे खिड़की दरवाजे लगाने हैं। एंड यहाँ पे अंदर भी अपन को काफ़ी सारे खिड़की दरवाजे भाई यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। एंड इस तरफ मैंने जो भाई सिंगल डोर नहीं दिया। बाकी ये देखो भाई ये अपना कुछ इस तरीके का यहाँ का व्यू। एंड सामने की तरफ अगर तुम लोग देखो भाई बिल्कुल जंगल लग रहा है, मतलब भाई लग रहा है किसी जंगल में अपन रह रहे हो। बाकी ये वाला व्यू भाई काफ़ी तगड़ा है, जब सुबह सुबह मॉर्निंग होगी तो भाई काफ़ी तगड़ा व्यू यहाँ से आने वाला है। फिलहाल भाई मॉर्निंग है, सुबह के बजे 8। एंड यहाँ पे पूरा ब्रिक वाला डिज़ाइन अपन ने दिया है। तो सबसे पहले भाई यहाँ पे लगाते हैं अपने एक विंडो। एंड यहाँ पे लगेगा भाई डबल वाला डोर, यहाँ पे अपन ने सिंगल वाला नहीं रखा है ताकि कुछ अलग लुक आए अपने हाउस की। एंड यहाँ पे लगानी है भाई अपन को विंडो। एंड फिलहाल विंडो भाई अपने पास खत्म हो गई है, तो अपन को इन्वेंट्री से थोड़ी और विंडो लानी पड़ेगी, क्योंकि विंडोज़ भाई इस हाउस में मैंने भर भर के लगाई है, काफ़ी सारी विंडो अपन ने लगाई है। तो फटाफट से मैं विंडो लेके आ चुका हूँ एंड यहाँ पे मैंने जो इंस्टॉल कर दिया विंडो। एंड फिलहाल मेरे को अगेन भाई प्यास लग चुकी है काफ़ी ज़्यादा, तो देखते हो अपना वाटर वाला जो मार्क है वो बिल्कुल रेड यहाँ पे हो गए हैं।
सो पानी भी भाई अपन को पीना पड़ेगा। सो सबसे पहले भाई बैकपैक में से अपन जो है पानी फिलहाल अपने पास है नहीं, तो दूध पी लेते अपन फटाफट से। मिल्क अपन ने पी लिया है एंड अपना साथ के साथ नाश्ता भी हो गया, 100 100 हो गए भाई दोनों चीज़ें। अब जो है यहाँ पर भी फटाफट से अपन को विंडो लगानी है, तो फटाफट से अपन जो है ये विंडो कुछ इस तरीके से आप इंस्टॉल करते हैं। एंड भाई इसके बाद भी ये जो एक फाइनल वीडियो आएगी इस वाले हाउस को पूरा मतलब रेडी करने के बाद, सभी जगह कलर वलर करने के बाद, एंड इसमें जो भाई देखना ये वाला हाउस जो है कैसा लगेगा। फिलहाल इस वाले फ्लोर का काम जो है कम्प्लीट हो गया, फटाफट से चलते हैं अपने टॉप एंड ऊपर वाले फ्लोर पे। एंड यहाँ पे अपन फाइनली आ गए, बाकी ये वाले कंस्ट्रक्शन सीढ़ी भाई यहीं पे पड़ी हुई है, अभी तक मैंने हटाई नहीं है। तो फटाफट से सबसे पहले चलते हुए बालकनी में जहाँ पे मैंने ये वाले गैरेज डोर लगाए हुए हैं। अब इसके अंदर भाई मैं डोर तो नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये मैंने सिर्फ डिज़ाइन के लिए यहाँ पे लगाए थे, बट यहाँ पे विंडो लगानी पड़ेगी अपन को। सो फटाफट से अपन विंडो लगा लेते हैं एंड देन फिर अगेन अपन सिंगल वाला डोर अपना लगाएंगे। एंड यहाँ से कुछ इस तरीके का व्यू आ रहा है तुम देख पा रहे हो, एंड ये रहा भाई अपना डोर। सो फटाफट से ओके भाई डोर तो बाहर से ही लगाना पड़ेगा। सो सबसे पहले अपन डोर लगाते हैं, अपन कुछ इस तरीके से अपन को जो है ये वाला डोर यहाँ पे लगाना है। सो फटाफट से इसे ओपन करेंगे एंड यहाँ से भी भाई काफ़ी तगड़ा व्यू अपन को देखने को मिल रहा है। सो कोई दिक्कत है नहीं, एंड फिलहाल यहाँ पे जो अपने पास काफ़ी सारी चीज़ें भाई है नहीं कंस्ट्रक्शन फ़िलहाल, मैं सोच रहा हूँ कि भाई यहाँ पर अपन जाली लगा दें जो रेलिंग होती है अपनी, बट भाई अपन यहाँ पे जाली लगा नहीं सकते, वरना भाई मैं यहाँ पे रेलिंग लगा देता तो डिज़ाइन और भी काफ़ी तगड़ा लग सकता था। फिलहाल मुझे नहीं पता कैसा लग सकता था, वो तो लगाने के बाद ही पता लगता, बट अभी तक अपन ने रेलिंग लगी नहीं है और ये ऑप्शन यहाँ पे आ नहीं रहा है। सो कोई दिक्कत नहीं, अब जो है ये सेम डिज़ाइन उस तरफ है तो उस तरफ चलते हैं अपन, खिड़की दरवाजे फिट करते हैं। एंड ये कंस्ट्रक्शन सीढ़ी भाई मैं यहाँ से हटाना फिलहाल भूल गया था, सो कोई नहीं अपन बाद में हटा देंगे। एंड फटाफट से यहाँ पे विंडो लगाते हैं, एंड यहाँ पे भी काफ़ी तगड़ा व्यू यहाँ से भी आ जाता है। यहाँ पे लगेगा भाई सिंगल वाला डोर, तो फटाफट से अपन लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। एंड ये देखो भाई यहाँ से भी काफ़ी तगड़ा व्यू आ रहा है। एंड फटाफट से अंदर चलते हैं एंड फिर देखते हैं भाई आगे का यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले भाई इन दरवाज़ों को अपन बंद करेंगे ताकि बाद में अगर नीचे जाके अपन लुक देखे तो अपन को काफ़ी अच्छे से दिखे। एंड फिलहाल अपने पास जो है इस तरफ, अब सामने भी अपन को काफ़ी सारा काम करना है। सबसे पहले भाई चलते हैं सामने की तरफ, अपन विंडो लगाते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे। एंड विंडो भाई पूरा हवा महल ही बना दिया अपन ने घर को, काफ़ी सारी भाई खिड़कियाँ अपन ने दे दी है। एंड ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड अब बारी है भाई सामने वाले फ्लोर की, तो फटाफट से सबसे पहले बाहर चलते हैं। एंड ये भाई अपना टॉप फ्लोर है, एंड यहाँ से तो देखो पूरा पीछे वाला रोड तक दिख रहा है एंड जंगल सा लग रहा है मतलब बिल्कुल ही। एंड ये कुछ नीचे का सीन है यहाँ से अगर तुम लोग देखोगे तो, एंड यहाँ पे भी देखो मतलब कुछ इस तरीके का लग रहा है। बाकी तुम लोग यार मतलब मैं तो क्या ही बताऊँ यार, कमेंट बॉक्स में बताना तुम लोगों को कैसा लगा, क्योंकि तुम लोगों के लिए जो मैं नए नए हाउस के डिज़ाइन यहाँ पे लेके आता रहता हूँ। एंड यहाँ पे फटाफट से विंडो लगाते हैं एंड देखते हैं भाई। एंड अब आ रही है भाई अपने फाइनल एंड लास्ट डोर की, जो कि मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। उसके बाद अपन नीचे जाके देखेंगे कि आखिरकार अपने हाउस जो है कैसा लग रहा है आगे से भी और इसके बैक साइड से भी, क्योंकि दोनों तरफ जो है अलग अलग डिज़ाइन मैंने बनाए हुए हैं। बाकी तुम लोग बताना कि तुम लोग जो है फ्रंट वाला डिज़ाइन अच्छा लगा कि बैक साइड वाला डिज़ाइन जो है तुम लोगों को अच्छा लगा। सो फटाफट से भाई से क्लोज करते हैं सबसे पहले, एंड लिफ्ट से ही अपन नीचे जाने वाले हैं फटाफट से, एंड चेक करने वाले हैं कि भाई आखिरकार अब जो अपना हाउस कैसा लग रहा है। फिलहाल मैंने जो भाई सारे दरवाजे यहाँ पे क्लोज कर दिए, सो फटाफट से भाई अपन नीचे चलते हैं अपनी लिफ्ट से। एंड ये देखो भाई काफ़ी स्मूथ तरीके से अपनी लिफ्ट जो अपन को नीचे लेके आ चुकी है। एंड ये देखो भाई कुछ इस तरीके का सीन अब अपने घर के अंदर के गैरेज का, जो कि मैं दिखा चुका हूँ। अब फटाफट से भाई बाहर चलिए अपने जो हाउस का व्यू देखें आखिरकार कैसा लग रहा है। उससे पहले इस वाले जो गैरेज डोर को अपन को बंद करना पड़ेगा ताकि अपन का जो हाउस का व्यू अच्छे से आए, क्योंकि एक खुला है भाई एक बंद है तो अच्छा नहीं लगेगा। सो फटाफट से इस वाले डोर को अपन क्लोज कर देते हैं। एंड ये डोर भाई यहाँ पे फाइनली यहाँ पे क्लोज हो गया है। एंड अब देखते हैं भाई आखिरकार अपना वाला ये वाला हाउस भाई कैसा लगा। तो फिलहाल तो देखते भाई आगे से फिलहाल ऐसा लग रहा है, बैक साइड से भी अपन देखेंगे ये कैसा लगेगा। बाकी फिलहाल तुम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि यार तुम लोगों को ये वाला हाउस कैसा लगा। बाकी ये कार वाला अभी भाई अपन को मार देता, एंड कमेंट बॉक्स में यार जरूर से बताना मतलब कैसा लगा हाउस। एंड अभी भाई इसकी बैक साइड भी मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ कि वो आखिरकार कैसी लग रही है। फिलहाल इसके क्लोज चलते हैं। ये जो सेंटर में मैंने रखा है भाई ये वाली चीज़, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है यहाँ पे पड़ी हुई। एंड ऊपर छत पे मेरे को कलर करना है, इसका कलर अभी बाकी बट हो नहीं रहा था। क्या मैं यहाँ पे भाई फिलहाल सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ लगा दूँ इसके बीच में। ये वाली चीज़ मुझे आज तक नहीं समझ में आई भाई कहाँ पर यूज़ होती है। एंड फटाफट से मैं ढूंढ रहा हूँ भाई यहाँ पे ग्लास वाल कांच का शीशा मैं यहाँ पे अगर लगा सकूँ तो। ओके डोर भी लगा सकते हैं वैसे अपन कांच का, बट आई थिंक मुझे नहीं लगता कि भाई ये इतना ज़्यादा तगड़ा यहाँ पे लगने वाला है।
कोई ना, एक बार भाई अपन ट्राई करके देखते हैं। फिर आती है भाई ये वाली चीज़ भी भाई अच्छी लग सकती है, बट ये बिना मतलब ग्लास डोर के आई थिंक अच्छी लगी। बाकी तुम लोग कमेंट बॉक्स जरूर बताना। अब मैंने भाई इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें पूछ ली है तुम लोगों से भाई, कमेंट बॉक्स में ये बताना वो बताना, तो कोई ना कोई एक चीज़ तो भाई तुम लोग बता के जाना ही कमेंट बॉक्स में, हो सके तो सारी बता देना। घर कैसा लगा, क्या अपन को इस घर के अंदर और क्या क्या करना चाहिए। फिलहाल साइड से भाई अपने हाउस का जो है कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है, तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पे। एंड अब चलते हैं भाई फाइनली पीछे की तरफ, एंड पीछे की तरफ देखते हैं भाई किस तरीके का लुक आ रहा है। बाकी यार अगर तुम लोग वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड जल्दी से अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। तो पीछे से देखो भाई ये कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है अपने इस हाउस का, लग्जरी मैंशन बोल लो, हाउस बोल लो, कुछ भी मतलब तुम लोग बोल सकते हो अपने हिसाब से। एंड लाइट वाइट इंस्टॉल करने के बाद जो भाई ये वाला हाउस और भी ज़्यादा तगड़ा लगने वाला है, तो अगली वीडियो में मैं इसे करूँगा। एंड आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर तुम लोग यार ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये वाला हाउस तुम लोगों को जो है कैसा लगा।